बिसमिल्रा अल्लाक स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू रीड यूनिट नंबर फोर ग्रैंड माँ ओके सो बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टूडेंट्स आप ये पिक्चर्स देख लें दिस इज़ द ग्रैंड माँ शी इज़ सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर ओके सो दीज आर द चिल्ड्रन एंड यू कैन सी the picture now let's start students these are the words to know backwards backwards का मतलब होता है in the direction behind you यानी आपके पीछे के सिमत में जो होगा वो आएगा backwards में और forward जो आपके आगे यानी front के जो सिमत में आता है वो आता है forwards में ठीक है so backward यानी पीछे और forward आगे giggle to laugh in a silly way तो गिगल कहते हैं सिली भी यानी बेवकूफ़ आना अंदाज़ में कहका लगाना ये हँसना या खिखी करना राइट तो गिगलिंग करना ये गिगल वो है नोइस अलाउड साउंड दैट इज़ नॉट नाइस टू हेयर तो नॉइज़ यानी शोर ऑफ़ कोर्स दैट नॉट नाइस टू हेयर जो आवाज़ आपको सुनने में अच्छी ना लगे वो नॉइज में आएगी अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं सो so, uh, ग्रैंड मा इज़ सिटिंग इन हर रॉकिंग चेयर शी इज़ रॉकिंग स्लोली फिर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ग्रैंड माँ जो है वो रॉकिंग चेयर पर बैठी हुई हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको झूल रही हैं रॉकिंग चेयर वो वाली होती है जो आगे पीछे हल्की हल्की मतलब इसको झुला सकते हैं ठीक है जैसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स द रॉकिंग चेयर इज़ मेकिंग नॉइस क्रिक स्क्विक क्विक स्क्विक सो so क्लास वन ये कह रहे हैं कि ग्रैंड माँ जो है ना ये रॉकिंग चेयर पे बैठी हैं ठीक है तो रॉकिंग चेयर जो है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है वो इस तरह यानी मूव कर रही है और इस चेयर की जो आवाज़ है वो आ रही है क्विक स्क्विक इस तरह की आवाज़ आ रही है ओके ओके जी नेक्स्ट देखें ग्रैंड माँ शर्ट्स हर आइज ग्रैंड माँ जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं जॉन सारा टॉम एंड जिल कम इन टू द रूम तो बच्चों ये चार बच्चे हैं जॉन सारा टॉम और जिल ये रूम में आते हैं दे कैन हेयर द रॉकिंग चेयर और वो आवाज़ सुनते हैं रॉकिंग चेयर की क्विक स्क्विक क्रिक स्क्विक ओके ये बच्चे हैं चार और ये देखें ये आवाज़ सुन के ना इसकी चेयर की तो ये अपने ग्रैंड माँ के पास आ जाते हैं उनके रूम में The children look at grandma. Grandma's eyes are shut. बच्चे जो हैं वो ग्रैंड को देखते हैं ग्रैंड की आइज़ जो होती हैं वो बंद होती हैं द चिल्ड्रेन गिगल वो आपको पता है बच्चे वैसे बहुत शरारती होते हैं और वो गिगलिंग करते हैं यानी खी खी करके हंसते हैं देखते हैं कि ग्रैंड जो है वो रॉकिंग चेयर पर झूल रही है और आइज़ उनकी उन्होंने अपनी क्लोज की हुई हैं ओके अच्छा जी अब यहाँ पर आप देखें ग्रैंड माँ ओपन वन आई शी स्माइल्स ग्रैंड माँ जो है वो अपनी एक आंख खोलती हैं और मुस्कुरा देती हैं आई यू टाइट ग्रैंड माँ जॉन आस्क अच्छा बच्चा जॉन जो है वो पूछता है ग्रैंड माँ क्या आप थकी हुई हैं दॉकिंग चेयर डज नॉट स्टॉप रॉकिंग जबकि ग्रैंड माँ जो है वो इस रॉकिंग चेयर पर बैठी हुई है और उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है वो झुलाई जा रही हैं मूव करी जा रही हैं प्लीज़ टेल्स ग्रैंड माँ सेज जेल जिल कहते हैं प्लीज़ ग्रैंड माँ हमें बताएँ वट कैन वी डू हम आपके लिए क्या कर सकते हैं वट कैन यू डू आज ग्रैंड माँ अच्छा बच्चा फिर जो ग्रैंड माँ है ना वो पूछती हैं बच्चों से आप लोग क्या कर सकते हो ग्रै वट कैन यू डू ग्रैंड माँ स्माइल यू कैन डू एनी थिंग शी सेस ठीक है बच्चों तो फिर ग्रैंड माँ जो मुस्करा है मुस्कुरा देती हैं और वो कहती हैं यू कैन डू एनी थिंग शी सेस यू कैन राइट यू कैन रीड यू कैन प्ले यू कैन सिंग यू कैन डांस वो कहती है कि आप लिख सकते हो आप पढ़ सकते हो आप खेल सकते हो आप गा सकते हो आप डांस कर सकते हो ठीक है तो ये वर्ड्स मैंने अंडरलाइन कर लिए है राइट रीड प्ले सिंग डांस तो ये आपने इनको थोड़ा सा इस पर फोकस करना है ठीक है कैन यू डांस ग्रैंड माँ आस्क टॉम अभी देखें टॉम डांस के मूड में है और ये पूछ रहे हैं कि ग्रैंड uh, माँ uh, क्या आप डांस uh, कर सकती हैं डांस यानी नाच सकती हैं नो नो से ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ कहती नहीं नहीं माई बोन्स आर ओल्ड मेरी जो हड्डियाँ हैं वो बहुत वीक uh, हो गई हैं या बहुत uh, कमज़ोर हैं ठीक है नेक्स्ट देखें क्रिक्स क्विक क्रिक्स क्विक कैन यू फ्लाई ग्रैंड माँ आस् जिल क्या आप उड़ सकती हैं फिर जिल पूछता है कैन यू जंप ओवर द मून क्या आप चाँद के उस पार जा सकते हैं ग्रैंडमा आस जॉन जॉन फिर ये पूछते हैं कैन यू राइडर साइकिल ग्रैंड मा ग्रैंड क्या आप साइकिल चला सकती हैं फिर ये सारा पूछती है अच्छा जी फिर उसके बाद द रॉकिंग चेयर स्टॉप रॉकिंग ग्रैंड जो होती है ना वो आ, इसको रॉकिंग चेयर को स्टॉप कर देती है मूव करना कैन यू सी ए बर्ड इन दैट ट्री आस्ट ग्रैंड माँ फिर ग्रैंड मा पूछते हैं कि क्या आप लोग देख सकते हो दरख्त पर एक परिंदा ये सी द चिल्ड्रन बच्चे कहते हैं जी हाँ गुड बहुत आ, आला मतलब ग्रैंड कहती हैं नाउ फ्लाई अवे एंड प्ले विद इट अब भागो यहाँ से और जाके खेलो सो चिल्ड्रन रन अवे ग्रैंड मा स्माइल तो बच्चे जो हैं वो चले जाते हैं और ग्रैंड मा मुस्करा देती हैं द रॉकिंग चेयर स्टार्ट रॉकिंग और दोबारा से वो रॉकिंग चेयर को झुलाना शुरू कर देती हैं क्रिक्स क्विक क्रिक्स क्विक सो दिस इज द साउंड ऑफ दिस इज द साउंड ऑफ रॉकिंग चेयर तो स्टूडेंट्स ये आपका कंप्लीट रीडिंग था यूनिट नंबर फोर ग्रैंड का ठीक है होपफुली आपको समझ भी आई होगी और आपने एंजॉय भी किया होगा तो ये आपने इसको रीड करना है ओके अल्लाह हाफिज़